Hi guys, what's up? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is me, Sonali Sharma. And जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी. बाबूराव का स्टाइल है. तू ले. चलो तो आज मैं जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट. आफ्टर दैट देखती हूँ क्या करती हूँ. मैंने सोचा कि आज ब्लॉग ही बना लूँ. मतलब सुबह से मेरा मन नहीं था इंस्टीट्यूट जाने का, पर फिर भी कल वहाँ एग्ज़ाम था इसलिए मैं कल वहाँ नहीं गई थी. तो आज मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर ही लेती हूँ क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. हाँ, लेट्स सी कि क्या होता है. और मैंने सुना है कि शायद ग्राउंड में अभी गर्ल्स स्कूल में टूर्नामेंट्स लगे हुए हैं. तो टूर्नामेंट लगे हुए हैं तो मैं वैसे भी ग्राउंड नहीं गई हूँ. तो देखते हैं. हमेशा की तरह मैं आज फिर से लेट हो चुकी हूँ और आज भी कोई बस नहीं है. सी माय पोनीटेल, कम बाल रह चुके हैं, मतलब बहुत कम. लेट्स सी कि कब तक आती है बस. आपको पता है कि मैं इंस्टीट्यूट लेट क्यों नहीं जाती हूँ. भगवान, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है पर एक भी बस आने को तैयार नहीं है. जिस दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट जल्दी जाती हूँ उस दिन मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है, और जिस दिन मैं लेट जाती हूँ ना उस दिन मेरे को नींद लगी होती है. ये सच्चाई है. इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँची, पर ऐसा हो नहीं पाता है और मेरी आधी पढ़ाई भी छूट जाती है. बस आजा भगवान, बस भेज दो. भगवान ने मेरी गई सुन ली और मुझे इंस्टीट्यूट भेज दिया पढ़ाई करने के लिए. गाइस फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ अभी अपने इंस्टीट्यूट से, और अभी मैं जा रही हूँ शायद ग्राउंड. भाई भी वहीं है तो उसने बोला कि दीदी आ जाओ, मैच लगा हुआ है, देखते हैं. मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ. अभी मार्केट का हाल कुछ ऐसा है, देख सकते हो धूप, साथ में जनता कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ के सारे लोग बाहर चले गए हैं. अभी भी यहाँ पर मार्केट लगी हुई है. जब मैंने आपको दिखाया था मेले के टाइम पर, ये मतलब पता नहीं क्यों नहीं उठी है, पर अभी तक तो उठी ही जाती है. आई डोंट नो. अभी मैं जा रही हूँ एक शॉप में, माय फेवरेट शॉप, दिखाऊंगी आपको. वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है. पहले मैं वहाँ पहुँच गई. चलिए आप देख ही सकते हो. नमस्ते अंकल. नमस्ते. ये तो चाय पी रहे हैं और देख लो अंकल को दी नहीं इन्होंने चाय. अंकल जी, इनको बोला नहीं आपने चाय दो मेरे को? अरे यार क्या पियेंगे आप. आंटी यार चाय पी लो गाइस. आंटी वी लाइक चाय पी लो गाइस. हाँ गाइस, तो यही वो शॉप है जिसके बारे में आपको बता रही थी. यू कैन सी यहाँ आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे. और दूसरी शॉप जो मोस्टली आंटियों के लिए है, यहाँ बैंगल्स वगैरह आपको मिल जाएगी. करवा चौथ पे ज़रूर यहाँ विजिट कीजिएगा. करवा चौथ पे ये बहुत सारे डिस्काउंट भी देते हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ साथ सारी चीज़ें अवेलेबल है गर्ल्स के लिए. आंटी अपने शॉप के बारे में कुछ बताएंगी. बताऊंगी, यहाँ पर हर प्रकार के आपको फैंसी आइटम और फैंसी ज्वेलरी वगैरह, ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी. और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप? डिस्काउंट जैसे ओकेजनल त्यौहार वगैरह होते हैं तो उन पर मैंने 3 दिन डिस्काउंट रखा हुआ है. ओके, तो इनके बोलने का मतलब ये, जैसे भी मतलब हमारे रक्षाबंधन आता है तो तब से डिस्काउंट शुरू हो जाता है, 1-2 दिन पहले डिस्काउंट देना शुरू करते हैं. और अभी फिलहाल हमारा वो आ रहा है करवा चौथ, यू नो लेडीज का सबसे ज्यादा फेवरेट. तो उस पे भी बैंगल्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और बाकी सारी जो भी रहता है लड़कियों के चोंचले, जैसे मैंने आपको पहले बताया. हाँ, क्यों आंटी? पर भी सब कुछ. हाँ, उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा लड़कियों की, जैसे जो भी चीजें होती है इयररिंग से लेके जैसे जो भी लड़कियां पहनती है डिस्काउंट है. मतलब करवा चौथ के 3 दिन पहले डिस्काउंट होता है, बाकी तो पता ही है सबको. बाकी आपको मार्केट रेट पे अच्छी चीजें मिल जाएगी वैल्यूएबल प्राइस में, वैल्यूएबल रेट में. और आंटी हमारी बीमार हो चुके हैं. ठीक है आंटी, मिलते हैं आपसे जल्दी. बाय बाय. अभी आपने देख ही लिया, आंटी बहुत प्यारी है सच में. बहुत ज्यादा मतलब अच्छा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, रेट भी एकदम मस्त. बार्गेनिंग भी कर सकते हो, आंटी तो कर भी देती है रेट कम. मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वहीं से लेती हूँ. और मैं अभी ग्राउंड पहुँचने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ वहाँ का क्या है. वहाँ पे गर्ल्स टूर्नामेंट चले है. मेरा भाई तो ना सुबह सुबह 7 बजे तैयार होके आ गया था, कहते तो दीदी लड़कियाँ आ रही हैं आज. तो वही मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या है. वह आपको दिख ही रहा होगा लड़कियाँ देखते देखते. तब मिली नहीं क्या? मिला उनके लिए.
इसको मिली मेरी भाई लेवल, बोलता तो छोड़ दे तेरा लेवल है क्या, देख लो क्या लफंगा बन के आया ये, ऐसे में पटेगी जेंटलमैन फंसती लड़कियाँ। तू तो गंदा ही है भाई। मैं गंदा ही हूँ यार। कटिंग देखो इसने कैसी करवाई, यहाँ से दो बाल तो उजड़ गए, इसकी उजड़ी हुई बस्ती का इस कुछ ना होएगा। और आप यहाँ गर्ल्स टूर्नामेंट देख ही सकते हो। कैसा रिस्पॉन्स है? बस बढ़िया है, एकदम मस्त बन गई। आई है मैच देखने को लौंडिया पास का और कुछ नहीं है। सुकन्या का भाई है गाइस, देख सकते हो आप मेरा भाई इतना शरीर, यू कैन सी। और ये सुकन्या पे गया पूरा, मस्त बन गई है मैच। कहाँ यार बच्चियाँ हैं ये बाबू भाई, अंडर 19 बोल के अंडर 14 खिला रहे बता है। नहीं यार, तो अभी क्या चला है यहाँ पे बता हमारी जनता को थोड़ा सा। लड़की खड़ी सारी देख सकते हैं आप लोग। क्यों भाई फिर तरह क्यों मना में इतने इतने लड़के नहीं इधर, जितने लड़के आ गई ये बात बोली हुआ ट्रक भर भर के लड़के आ गए इधर बॉय स्कूल में। ऐसे वो बॉय स्कूल के सारे हॉल स्कूल गाइस है, बॉय स्कूल है। और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले साइड को गर्ल स्कूल है, हमारा स्कूल गाइस इस टाइम बाउंड हो चुका है लड़की। आप इनके फेस पे खुशी देख ही सकते हो, नेक्स्ट लेवल। मेरे को भूख लगी है, चलो मेरे को खिलाने चलो कुछ। हाँ गाइस यू कैन सी, आपने ये चीज देखी होगी बचपन में हम बहुत ज्यादा खाते थे। नहीं भाई साहब ये बहुत प्यारा सा समोसा है, पता नहीं कितने सालों बाद देखा है। इन बच्चों को बेचारे को धूप में इतनी देर से खड़ा रखा है, इतनी धूप है बच्चों के साथ क्यों देवाश ना इंसाफी हो रही है। नहीं जी बहुत अच्छा किया, वो जूस की सर्विस हो जाती ना अभी तो भाई मैं बोलता मजा आ रहा। लड़कियों को देख के ऐसा बोल रहे हैं, अपनी बारी को चाहे नहीं पानी अपने पता नहीं है क्यों ऐसे सब बच्चे। तन्वी के घर, ये मेरी फ्रेंड का घर है तन्वी, उनके घर के बाहर बैठ चुके हैं। तन्वी बाहर निकल रहे, तेरे को बुला रहे ये लोग। गेट के बाहर तो बच्चे बैठ गए, बाहर निकलना मुश्किल है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम शाम तक रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्लानिंग है, मतलब फंक्शंस होते हैं इनके। मेरी फेवरेट कबड्डी है तो मैं कबड्डी देख के जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे वो इनका ये लगा हुआ है, मेरा एक और भाई वहाँ है, मंदियों को देख के गाइस ऐसे हो जाता है। क्यों इसके तो चौदह चार ये नहीं मुकरे, पांव की हड्डी टूट चुकी है। ओ यार गिराई ये ना एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया कि बंदी दिखी होनी ना इसको, अरे नाले में सीधा ऐसा भी नहीं तन्ने बाहर निकल चुकी। यू कैन सी गाइस डिंपल शर्मा उनके स्वागत के लिए आई थिंक इस वाले नंबर पे नंबर पे मुझे हाथ में करने के लिए हमारे बच्चे और यहाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुखे 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 बंदे मातरम प्रस्तुत है आपके समक्ष, बंदे मातरम। स्कूल्स में भाग लिया है जिसमें बच्ची है,
आगे भाई हमारा स्कूल आ गया अपना एंड में भाई अपना स्कूल एंड में गाइस हमारी डीपी मैम की मुस्कुराहट आप देख सकते हो। ये हमारी डीपी मैम है। उफ इन्होंने तो धूल उड़ा दी। और यहाँ पे ये सारा खत्म हो गया है गाइस। शुरू होते ही काफी सारे स्कूल ऐसे शुरू होते ही खत्म हो गए पर काफी अच्छा था। काफी सारे स्कूल्स ऐसे थे जो हमने पहली बार देखे, मतलब नाम भी नहीं हमें पता था। अप्रोक्सीमेटली 59 स्कूल्स आए हुए हैं यहाँ और अभी इनकी परेड वेड हुई है। बेचारे बैठे हुए हैं। जब हम स्कूल में थे तो हमारी सिचुएशन पे ऐसी थी। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गाइस। वो चीज शुरू होने वाली है और धूल इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरा कैमरा भी गंदा हो गया है। पहले कैमरा साफ कर लिया। ज़्यादा बोर हो गई थी तो फंक्शन भी ख़त्म होने वाला था तो अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं आंटी के साथ गप्पे मारूंगी। आफ्टर दैट मेरे को घर ही जाना है। बस का वेट करती हूँ। जब भी मैं यहाँ बस का वेट करती हूँ तो आंटी के साथ गप्पे मारती रहती हूँ। तो अभी जाएंगे बस में घर को, फिर मिलते हैं। उतरने के बाद फाइनली गाइज एक बात बताती हूँ आपको। अभी पता क्या कलोल हुई बस में। मैं चंडीगढ़ दावला वाली बस में आ ही रही थी इधर को, तो एक अंकल ने ना वो कंफ्यूज हो गए 200 और 10 के नोट में। वो दोनों कंफ्यूज हो गए। कंडक्टर बोलता आपने 200 दिया कि 10 दिया। अब जिसने दिया था वो बोलता मैंने तो 200 दिया भाई 200, जबकि उसने 10 रुपए दिए थे। मतलब इतना कलर कन्फ्यूज़न, यू नो, पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा ही होता है। मैक्सिमम मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। तो मैं ग्राउंड से जल्दी आ गई थी क्योंकि वहाँ धूप भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं सुबह सुबह कुछ खा के नहीं जाती हूँ। ग्राउंड में गेम्स वगैरह शायद शाम के टाइम को होनी थी और जो भी फंक्शन था वो शाम को ही था। तो मैं सोचा मैं घर को ही चली जाती हूँ क्योंकि मम्मा भी अकेले थे घर पे, अकेले हैं थे ये थोड़ा ना हो जाता है, इधर उधर होता है तुम्हें पता ही है। अभी मैं फ़िलहाल घर ही जा रही हूँ और मस्त एकदम सो जाऊँगी घर जाके। ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। नहीं, ये मैं कुछ इंटरेस्टिंग बोलने वाली थी। एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है।